वेलकम बैक क्लास। लास्ट क्लास तक हमने एटॉमिक मॉडल्स पढ़ लिए थे, चार एटॉमिक मॉडल्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका था हमारा इस चैप्टर का। आज हम चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। चैप्टर क्या था हमारा? एटॉमिक थ्योरीज, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एटॉमिक थ्योरीज हमारा कंप्लीट हो चुका है चार मॉडल्स के साथ। ठीक है, वो चार मॉडल्स कौन से थे? जॉन डाल्टन मॉडल, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड गोल्डफोल्ड एक्सपेरिमेंट और हाइपोथेसिस ऑफ नील्स बोहर। ये चार चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब हमको इसके बारे में पढ़ना है। पहली बात तो ये कि क्लासिफिकेशन शब्द का मतलब क्या होता है, टर्म का मतलब क्या है क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन होता है कि आप क्या करेंगे, आप सेम प्रॉपर्टीज़ रखने वाले एलिमेंट्स को एक साथ रखेंगे और जिनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है उनको आप अलग अलग रखेंगे। इसको हम सिंपली समझ सकते हैं फ्रूट की शॉप से, कि फ्रूट की शॉप पे क्या होता है कि जो सेम टाइप के फ्रूट्स हैं उनको एक साथ रखा हुआ है, जो डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स हैं उनको अलग अलग रखा हुआ है। जैसे एप्पल्स एक साथ रखी हुई है, मैंगोज एक साथ रखे हुए हैं, ग्रेप्स एक साथ रखे हुए हैं। ठीक है, उसी तरीके से क्या है कि यहाँ पर हम जो सेम प्रॉपर्टीज़ रखते हैं उन एलिमेंट्स को उनको एक साथ रखना है और डिफरेंट जो है उनको अलग अलग रखना है। तो ये तो होगा हमारा क्लासिफिकेशन। पहली चीज़ ये कि हमें क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, कि हम क्यों कर रहे हैं ये क्लासिफिकेशन। शुरुआत इसकी हम करते हैं IUPAC से। अब IUPAC क्या होता है? IUPAC क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि केमिस्ट्री में होने वाली तमाम रिसर्च को कंट्रोल करती है, या यहीं पे सारी केमिस्ट्री की सारी रिसर्च यहाँ यहीं पे रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, यहाँ या ऐसे कह सकते हैं यहाँ से सारी वैलिडेट होती है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक बात, ये तो हो गया इसके IUPAC फुल फॉर्म। IUPAC ने अब तक टोटल 118 एलिमेंट्स इनको वेरीफाई किया, मतलब इनके IUPAC की रैब में वहाँ अब तक 118 एलिमेंट्स रजिस्टर्ड है। इन 118 एलिमेंट्स में से कुछ जो हैं वो मानव निर्मित है, मतलब हमने इंसानों ने बनाए, और बाकी जो सारे हैं वो हमें नेचुरली नेचुरल रिसोर्सेज से मिले हैं। ठीक है, तो हमें इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? अब एक बात सोचिए, एक मैं कुछ एलिमेंट्स के नाम लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा गोल्ड, आयरन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसको किस तरीके से देखते हैं कि ये दो तो क्या है? मेटल्स हैं। ये दो क्या हैं? गैसेस हैं। ये रूम टेम्परेचर क्या होती है? सॉलिड में होती है। नॉन मेटल्स हैं तो इनको नॉन मेटल्स कह लीजिए आप। ये सॉलिड है और ये किस फॉर्म में होती है? ये गैसेस फॉर्म में होती है। ठीक है, अगर इन दोनों की बात करें तो ये एक्सपेंसिव होता है और ये क्या है? लेस एक्सपेंसिव है, ये इनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, या फिर इनके आप कह लीजिए बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से कह लीजिए। ये हम ऑक्सीजन हम काम में लेते हैं, ये प्लांट्स वगैरह काम में लेते हैं। ठीक है, तो इन सब का बातों का मतलब क्या है कि हमारे पास एलिमेंट्स तो 118 हैं, हमारे पास यहाँ चार एलिमेंट्स हैं, इन चार एलिमेंट्स में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से इतने सारे। तो जब सोचिए, जब 118 एलिमेंट्स होंगे तो उनको हम उनकी हम फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अगर हमें एनालाइज करना रहेगा या उनको यूज उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से यूज़ करना पड़ेगा, तो हम उसको किस तरीके से देखेंगे, किस तरीके से हम उनको एनालाइज करके ये काम में ले सकेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि पहले सबसे पहले ज़रूरी कि उनके आप स्पेसिफिक आप ढंग से आप उसको एनालाइज कर सकें, उनको ढंग से देख सकें, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान सकें। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसका क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। एक एग्जांपल और से समझते हैं। जैसे ये एक गोल्ड है, ये आयरन है, इसी तरीके से एक और मेटल होती है मरकरी। ठीक है, ये भी मेटल, ये भी तीनों मेटल है। रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये दोनों तो होती है सॉलिड फॉर्म में, और मरकरी जो होती है ये होती है लिक्विड फॉर्म में। मरकरी एकमात्र ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में मिलती है। है तो ये भी मेटल, ये भी मेटल, ये भी मेटल, मेटल्स हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है और इसकी प्रॉपर्टी अलग है। ये एक सॉलिड और ये गैस है,
तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनके हिसाब से हम इनको क्या कर सकते हैं, सिमिलर और इनमें डिफरेंट डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हमको क्या करना है, इनका क्लासिफिकेशन करना है। तो ये तो हुई नीड ऑफ क्लासिफिकेशन कि हमें ज़रूरी क्यों है, भाई बहुत सारे एलिमेंट्स हैं आपको उनको एनालाइज करना है, तो उसके लिए उनका क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन की शुरुआत जो हुई थी, वो क्लासिफिकेशन शुरू किया था उन्होंने किसने, डोब्राइनर ने। कुछ डोबेनियर कहते हैं, कुछ डोब्राइनर कहते हैं, जो भी आपको ठीक लगे उसके हिसाब से देख लीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम इसको, डोबेराइनर क्लासिफिकेशन। डोब्राइनर्स क्लासिफिकेशन क्या किया, इसको कहते हैं हम ट्रायड रूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ट्रायड रूल भी कहते हैं, ठीक है। ट्रायड, ट्राई का मतलब क्या होता है, तीन। तो इन्होंने क्या किया कि ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स बनाए। कैसे, उन्होंने क्या करा कि ऐसे एलिमेंट्स जो क्या करते हैं, जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सेम है, जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सेम है, उसके हिसाब से पहले तो तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, और फिर उनको क्या किया, अरेंज किया। किस तरीके से अरेंज किया, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको अरेंज करने की कोशिश की। जैसे देखें, पहली बात तो क्या कि उन्होंने जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी, उन फिजिकल और जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी उनके क्या करें, उन्होंने ग्रुप बनाए। कितने 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 एलिमेंट के ग्रुप बनाए उन्होंने, तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, ठीक है। और इन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप में क्या करा, उनको अरेंज किया। किस तरीके से अरेंज किया उस ग्रुप में, उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास को। इसको समझते हैं, जैसे इसकी शुरुआत उन्होंने पहला ट्राइड बनाया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। इनका एटॉमिक मास क्या होता है, लिथियम 7, सोडियम 23, पोटेशियम 39, ठीक है। तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो उन्होंने ये कहा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और थर्ड एलिमेंट है, इनके एटॉमिक मास का या और जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है, इनका एवरेज लगभग इसके जो बीच वाली जो मिडिल एलिमेंट है उसके बराबर आता है। जैसे इनके एटॉमिक मास का एवरेज निकालते हैं हम, 7 + 39/2, दैट इज 46/2 एंड दिस इज 23। एटॉमिक मास की यूनिट होती है AMU, चूँकि यहाँ बहुत सी बार लिखना पड़ेगा इसलिए मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। तो 23 AMU होता है, ठीक है। ये किसके बराबर है, मिडिल टर्म के बराबर है। इसी तरीके से दो और ट्राइड है, वो कौन कौन से हैं, एक है कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, और एक और ट्राइड है कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, और दूसरा ट्राइड यह है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। कैल्शियम का अब जो ये है एटॉमिक मास होता है वो होता है 40, ये होता है स्ट्रॉन्शियम 88 एंड बेरियम इज 137, ओके, ठीक है। क्लोरीन होता है 35, ब्रोमीन होता है 80 एंड आयोडीन इज 127, ओके 127, ठीक है। चलिए इनका देखिए एक बार एटॉमिक मास का एवरेज निकाल लेते हैं, 40 + 137 कितना हो गया, 177/2, ये कितना आया लगभग 88.5, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इसके इक्वल 88 के। इस तरीके से इनका देख लीजिए, 135 + 127/2, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपके 162/2, दैट इज 81, और ये भी क्या है अप्रॉक्सीमेटली 80 के इक्वल है। तो उन्होंने क्या कहा कि जो उन्होंने ट्राइड में जो भी एलिमेंट्स अरेंज किए थे, इन अरेंज एलिमेंट्स में क्या था, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो एवरेज था वो बीच वाली टर्म के बराबर है। अब वो चाहे आप उनकी किसी भी प्रॉपर्टी की बात कर ले, चाहे भले वो एटॉमिक मास हो, चाहे उनकी दूसरी थी जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज थी उनके बारे में, ठीक है। तो ये तो था ट्राइड रूल। अब इस ट्राइड रूल की कमी क्या थी, इस ट्राइड रूल में ये क्या था कि डोब्राइनर जो है वो केवल तीन ही ट्राइड बना रहे,
ये जो हमारे सामने लिखे हुए हैं केवल ये तीन ही ट्राइड बना पाए, इसके अलावा वो और किसी भी ट्राइड को वो अरेंज नहीं कर पाए थे कि जिसको जिसमें ये सारी केमिकल रूल्स फॉलो होते हों और वो उनको जिनको अरेंज कर पाए हों इस तरीके से। ठीक है, यहाँ तक तो ये हो गई बात। तो ये हो गया हमारा डॉब्रेनर्स क्लासिफिकेशन। इसमें क्या था, इसकी ड्रॉबैक क्या थी कि वो केवल तीन ही ट्राइड बना पाए थे और इनको क्या करा था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक, भाई जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी उनको क्या किया उन्होंने तीन तीन के ग्रुप में अरेंज किया और वो अरेंजमेंट किस हिसाब से था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। फिर निकाला और इनका उसमें रूल क्या था कि भाई फर्स्ट और थर्ड का जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका एवरेज आएगा किसका, वो बीच वाले टर्म की प्रॉपर्टीज़ के लगभग बराबर होगा। जैसे यहाँ पे एटॉमिक मास आ रहा है उसी तरीके से और भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उनका भी वो एवरेज बीच वाले टाइम के बीच वाले एलिमेंट के लगभग बराबर आएगा। तो यहाँ पे ये हमारा डॉब्रेनर्स क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है डॉब्रेनर्स क्लासिफिकेशन के बाद नेक्स्ट जो है वो हमारा है न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, यहाँ ट्रायड था मतलब तीन का ग्रुप था, वहाँ पे क्या है ऑक्टेव है, ऑक्टेव का मतलब क्या होता है आठ का ग्रुप। तो यहाँ पे क्या होगा, आठ आठ एलिमेंट्स के ग्रुप बनेंगे। किस तरीके से बनेंगे उनको देखते हैं हम। न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल या न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन, ऑक्ट का ऑक्ट टर्म का मतलब क्या होता है आठ, जैसे ऑक्टोपस है उसमें आठ पैर होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से ऑक्ट का क्या मतलब है, केवल अक्टूबर दसवां महीना है, उसके अलावा ऑक्ट का कहीं भी मतलब आठ नहीं होता। ठीक है, चलिए इसके आगे पढ़ते हैं हम। ऑक्टेव रूल का मतलब क्या है, जैसे इसकी उन्होंने कंपैरिजन किया है म्यूजिक से, म्यूजिक से कैसे, जैसे संगीत में क्या होता है, जैसे सा रे ग म प ध नी सा। ठीक है, तो क्या हुआ, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एंड एट्थ, फर्स्ट के बाद एट्थ जो टर्म है वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। उसी की तरीके से उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने क्या करा, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास उसके क्रम में अरेंज किया और उन्होंने क्या कहा कि जो जैसी प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट शो करेगा उसके बाद, कोई भी एलिमेंट शो करेगा उसके बाद आने वाला आठवां एलिमेंट जो है वो भी उसी की तरीके की प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट के बाद एट्थ आ रहा है उसी तरीके से यहाँ पर क्या आएगा, वापस ये आएगा आगे इसी तरीके से। ये तो संगीत वाली बात होगी। अब इसको अगर हम एलिमेंट्स के फॉर्म में देखना चाहें तो वहाँ से शुरू करते हैं, भाई पहले की जैसी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो किसकी जैसी होंगी, वो आठवें एलिमेंट उसके बाद जो आने वाला आठवां एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज़ भी उसी तरीके से होंगी। ठीक है, इसको हमने अरेंज किया कि किस तरीके से किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, इस तरीके से अरेंज किया। लिथियम से शुरू करते हैं, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन पोटेशियम कैल्शियम। अब आप जहाँ सोच रहे होंगे यहाँ पे नियॉन आना चाहिए था, यहाँ पे आर्गन आना चाहिए था, वो क्या है, उन नोबल गैसेस की डिस्कवरी तब तक नहीं हुई थी इसलिए उसको हमने इन्होंने इंक्लूड नहीं किया। चलिए अब इनका एटॉमिक वेट लिख लेते हैं, जैसे लिथियम 7, बेरिलियम 9, 11, 12, 14, 16, 19, 23, 24, 27, 28, 31, 32, 35, 39 एंड 40। ये हमने क्या किया कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट उसके हिसाब से उनको अरेंज कर लिया। ठीक बात, अब उन्होंने क्या कहा कि जैसे लिथियम से हमने शुरू किया तो ये फर्स्ट है, तो फर्स्ट के बाद एट टर्म क्या है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक, सोडियम के बाद देखेंगे 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये क्या हो गया 8। तो देखो क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, लिथियम की जैसी प्रॉपर्टीज़ कौन रखेगा, सोडियम, और सोडियम की जैसी प्रॉपर्टीज़ कौन रखेगा, पोटेशियम। तो ये क्या है एट्थ, लिथियम के बाद आठवें नंबर पे सोडियम आ रहा है, सोडियम के बाद कौन आ रहा है, पोटेशियम आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या था, ऑक्टेव रूल था। इसमें क्या है कि एट्थ एलिमेंट जो कोई भी एलिमेंट के बाद आने वाला एट्थ एलिमेंट जो है उसके जैसी ही प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। ये क्या था, न्यूलैंड्स
ऑक्टेव रूल, ठीक है। जैसे इसके बाद अगर इसके अलावा हम बात करें बेरिलियम की बात करें, तो बेरिलियम की जैसी प्रॉपर्टीज़ कौन रखेगा? मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम की जैसी कौन रखेगा? कैल्शियम। बोरोन की जैसी प्रॉपर्टीज़ कौन रखेगा? एल्यूमिनियम रखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आगे भी चलता जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको हम डोब्रेनिस के ट्रायड से कंपेयर करना चाहें तो ये वाला ट्रायड हमको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला ट्रायड था डोब्रेनिस वाले में भी। तो अगर आपको क्वेश्चन ये बने कि आप क्या मतलब भाई कि जो डोब्रेनिस जो ट्रायड था वो आप उसको फाइंड कर सकते हैं कि न्यूलैंड ऑक्टेव में? बिल्कुल कर सकते हैं। किस तरीके से? तो आप उसको एक्सप्लेन कीजिए, तो इस ट्रायड को हमको एक्सप्लेन करना है, वहाँ पर भी था ये ट्रायड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्टेव में क्या है, ये एट्थ एलिमेंट एक दूसरे प्रॉपर्टीज़ को अपने क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। अब बात तो ये है कि 118 एलिमेंट हैं और ये पहुँचे 20 तक ही, तो एक 20 तक पहुँचे तो बाकी एलिमेंट कहाँ जाएंगे? तो फिर वही परेशानी कि ये जो है, जैसे डोब्रेनिस ने क्या करा था, केवल 3 ने ट्राइड बनाए थे, उसी तरीके से न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल में भी केवल कैल्शियम तक के ही एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया जा सका। इसके बाद के एलिमेंट्स के बारे में कोई भी किसी भी तरीके का क्लासिफिकेशन वो नहीं कर पाए। तो ये इसकी लिमिटेशन है कि ये केवल कैल्शियम तक के ही एलिमेंट्स को अरेंज कर पाए थे, इसके बाद के एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आज हमने दो क्लासिफिकेशन पढ़े, डोब्रेनिस क्लासिफिकेशन और न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। तो आज यहीं पर कम्प्लीट करते हैं। कल हम दोबारा जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में मेंडेलीव्स क्लासिफिकेशन, वो जिसको कहते हैं मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, और उसके बाद पढ़ेंगे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि अभी हम रिसेंट टाइम में काम में लेते हैं। कोई वही पीरियोडिक टेबल है जो क्लासिफिकेशन है जो हम अभी रिसेंट टाइम में काम में लेते हैं। ये सब ये दोनों पॉइंट जो थे ये केवल हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से थे, इसलिए इनको जानकारी होना ज़रूरी है, बस इससे ज़्यादा इसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। थैंक यू फॉर द क्लास।